हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में दीपावली की सफाई कर रहे होंगे। और ये देखिए, आज मैं अपना रूम साफ़ कर रही हूँ, बेडरूम। तो बीच बीच में तो सफाई होते रहता है, फिर भी दीपावली के समय पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है। तो इसे टेबल पर चढ़ करके और मैं साफ़ कर रही हूँ। और देख सकते हैं कि इस रूम में चारों तरफ से छज्जा दिया हुआ है। हमारे यहाँ इसे छज्जा कहते हैं, तो आप सब क्या कहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चारों तरफ दिया हुआ है और छज्जा चारों तरफ है, तो सामान तो इस पर अभी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो वेंटिलेशन देख रहे हैं उसमें ग्लास लगा हुआ है और ग्लास पूरी तरह से फिट नहीं है, मतलब कुछ खाली जगह रह गया है। और ऐसे में डस्ट बाहर से रूम में आते रहता है, काफ़ी दिक्कत होता है इस तरह से धूल डस्ट सब बाहर से आता है और सारे सामान में पड़ ही जाता है। और छज्जा पर तो बहुत ज़्यादा है, तो इसे पहले साफ कर ले रहे हैं झाड़ू से। और क्रिस रहता तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, वो चढ़ के और साफ़ कर देता अच्छे से। और मैं तो बाहर से ही नीचे से ही कर रही हूँ, ऊपर चढ़ने में दिक्कत है। टेबल लगा कर मैं इसी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ। और इस तरह से रूम में चारों तरफ से देना ठीक नहीं होता है, ये तो पुराना मकान है हमारा, लेकिन इसे फिनिशिंग अगले साल हुआ है और पेंटिंग भी अगले साल ही हुआ। इस बार पेंटिंग नहीं हो रहा है, इसमें रेक है जो बुक रखती है छवि, तो उसे भी झाड़ दे रहे हैं अभी। सारा सामान मैं नीचे कर दी हूँ और इसके बाद साफ करके और एडजस्ट करेंगे। और एक काम मैं दोपहर में कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो खाना बनाना होता है और इधर लगने के बाद फिर पूरा शरीर पर डस्ट पड़ जाता है, जब तक नहाओ नहीं तब तक फिर कोई काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए पहले किचन का काम, मतलब घर का खाना पीना कर लो, उसके बाद इसमें भीड़ो तो अच्छा रहता है। और देख सकते हैं फ्लावर जो है उसका अभी पेंटिंग नहीं हुआ है। दीवार तो पेंटिंग हो चुका है, लेकिन फ्लावर पेंटिंग बाकी रह गया है अभी। और छज्जे पर तो ऐसा ही सामान रखा हुआ है जो ज़रूरत जल्दी नहीं लगता है, तो इसे पहले झाड़ करके रख दे रहे हैं एक तरफ और इसके बाद फिर नीचे की सफाई करेंगे। रूम की सफाई करके मैं सीधे छत पर आ गई हूँ और यहाँ पर कपड़े सूखने के लिए जो डाली थी उसे मैं उठा करके और नीचे ले जाऊंगी अभी। और गद्दा भी आज मैं डाली हूँ गर्म होने के लिए, तो उसे भी ले जाना है नीचे। तो शाम के 5 बज चुके हैं, तो मैं सोची कि सबसे पहले कपड़े ही उठा लेते हैं। और आज सुबह फूल में मैं पानी नहीं डाली, तो अभी सारे फूल में मैं पानी भी डाल दे रही हूँ। अभी भी हमारे यहाँ इतना तेज़ धूप है दिन में कि एक दिन अगर पानी ना डालो फूल में तो फूल में एकदम मुरझा जा रहा है। तो सब गमले में मैं पानी डाल दे रही हूँ, और अगर मैं ना डालूँ तो कोई डालता भी नहीं है। और फूल पत्ती का देख रेख तो मैं ही करती हूँ, मुझे बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और छत देख रहे हैं कि मेरा इतना छोटा है, फिर भी इसमें गमला में लगा करके मैं फूल पत्ती रखी हूँ। और देखिए मेरा फूल कैसे मुरझा गया, आज पानी नहीं सुबह डाले थे। तो पानी डाल करके और चलेंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद मैं नहाऊंगी और नहा करके शाम का दीपक जलाना है तुलसी जी के पास अभी। शाम का समय है, देख सकते हैं अंधेरा भी होने लगा है। अरे फूल मेरा देखिए उड़हुल का है, पीला होते जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब
गेंदे का फूल तो मेरे 2 साल से छत पर मेरे नहीं है, और एक अनार है वो फूल लग रहा है। यहाँ पर मैं नहा करके आ गई पूजा करने। सब्जी और रोटी है कद्दू का, और साथ में मैं मेथी जला करके ली हूँ। सर्दी है, जुकाम है, तो मेथी खाने से ठीक हो जाता है, तो उसे भून करके लिए हैं और नमक डाल करके। और यहाँ पर मैं बेड लगा रही हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि बेड तो आज धूप में डाले थे सूखने के लिए, तो उसे लगा दे रहे हैं। और काफ़ी थक गई हूँ मैं, और अभी भी हमारे यहाँ धूप रहने के चलते कभी कभी गर्मी लग रहा है। ऐसे नाइट में तो नहीं चलाते हैं, लेकिन कभी कभी कूलर या फैन चलाना पड़ता है। तो देखिए मेरा ये बेडरूम क्लीन हो गया है पूरी तरह से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सुबह से काम करते करते एकदम थक के चीर हो गए हैं, और अभी खाना खा करके बैठे हैं यहाँ पर। अभी तो रूम में है, दीपावली की सफाई करते करते मत पूछिए, हालत एकदम ख़राब हो गया है। आप सबका भी होगा। और बहुत ज़्यादा अभी काम बाकी है मेरा, धीरे 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 काम हो रहा है। दीपावली तो अब बहुत नज़दीक मतलब आ गया, टाइम भी नहीं है, इसलिए और जल्दी जल्दी अब काम करना है। तो सभी रात्रि के 10 बज चुके हैं, और बीच में तो लाइट नहीं था, तो इसलिए बीच में कुछ व्लॉग नहीं बनाए हैं। बस खाना बना करके खा करके अभी बैठे हैं, तो लाइट अभी आया है जस्ट, तो सोचिए आप सबसे थोड़ी देर बातचीत कर लें। किचन का काम निपटाए लिए हैं, खाना खा करके और किचन में सारा सामान समेट करके, और इसके बाद अभी बैठे हैं यहाँ पर। चलते हैं अब सोने, क्योंकि सुबह जल्दी जागना होगा। और ये देख रहे हैं, इसका सफाई अभी नहीं किए हैं, तो कल इसी में सफाई करना है। तो लाइट्स सब जगह का ऑफ कर देंगे, इसके बाद चलते हैं सोने। फैन और लाइट ऑफ करते हैं किचन का भी। चलते हैं सोने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।